हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सनी भाटिया आपके मेरे यूट्यूब चैनल द सन सनी में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं और आज का टॉपिक है कमर दर्द के ऊपर। जी हां, आज का टॉपिक है बैक पेन के ऊपर। वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो हम घर पर ही कर सकते हैं अपनी बैक पेन को रिकवर करने के लिए, आइए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमर दर्द किसी भी व्यक्ति को हो सकता है जो कुछ समय के बाद खुद ही ठीक हो जाता है। इसी कारण मैक्सिमम लोग इसे गंभीर रूप से नहीं लेते, लेकिन कुछ लोगों के लिए कमर दर्द परेशानी का कारण बन जाता है, जिसके कारण वो एक जगह बैठकर काम नहीं कर पाते, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोगों को तो चलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, चलते हुए उनको काफ़ी कमर दर्द होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रात को सोते हुए भी कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है और वो चैन से नहीं सो पाते। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिनको आप घर पर करके अपना कमर दर्द ठीक कर सकते हैं। हमारा पहला आसन है मरकट आसन। इसमें आपको दोनों पैरों को मिलाकर रखना है और आपकी जो हाथ है वो आपकी साइड में दोनों तरफ फैल फैलाकर रखने हैं। अब आपको सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को बाईं ओर मोड़ना है और गर्दन को दाईं ओर मोड़ना है और आपको 5 सेकंड का होल्ड रखना है। उसके बाद सांस को लेते हुए ऊपर आना है और फिर दोबारा सांस को छोड़ते हुए आपको दोनों टांगे दाईं ओर ले जानी है और आपकी गर्दन को बाईं ओर मोड़ना है। आपको इसके 3 सेट करने हैं और आपको 1 सेट में ये 8 से 10 बार करना है। यह आसन काफ़ी फायदेमंद होता है। इस आसन को करने से आपका कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस, स्लिप डिस्क और साइटिका में काफ़ी आराम मिलता है। हमारा दूसरा आसन है पवन मुक्त आसन। इसमें सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। उसके बाद सांस को लेते हुए घुटने को मोड़ें और हाथ के सहारे से छाती पर लगाएं। वहाँ पर आपको कुछ सेकंड तक अपना सांस रोक कर रखना है, फिर सांस को छोड़ते हुए आपको अपना घुटना सीधा करना है। इसी तरह दूसरी टांग के घुटने को भी आपको सांस लेते हुए धीरे धीरे मोड़ना है और हाथ की सहायता से अपनी छाती पर लगाना है। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद अपने घुटने को सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे छोड़ना है। इसी तरह से आपको ये 8 से 10 बार रिपीट करना है और उसके बाद शव आसन की मुद्रा में आपको लेटना है। ये एक्सरसाइज आप 1 सेट में 8 से 10 बार कीजिएगा और इसको 3 बार और रिपीट कीजिएगा। इस आसन को आप दोनों घुटनों के साथ भी कर सकते हैं। दोनों घुटनों को सांस लेते हुए आप ऊपर लाइए, अपने हाथ की सहायता से इसको छाती पर लगाइए, कुछ सेकंड पे होल्ड कीजिए और सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को सीधा कर लीजिए। हमारा तीसरा आसन है भुजंग आसन। इसमें आपको पेट के बल उल्टा लेटना है और अपने दोनों हाथ चेस्ट की साइड में रखने हैं। फिर आपको सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है। कुछ सेकंड तक रुकने के बाद आपको सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। ये एक्सरसाइज आपको 1 सेट में 8 से 10 बार करना है और इस एक्सरसाइज को आपको 3 बार और रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज कमर दर्द के लिए, साइटिका पेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। इससे आपको कमर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। देखा आपने, ये तीनों आसन कितने आसान हैं। आप ये तीनों आसन दिन में 2 बार कीजिएगा, सुबह नाश्ता करने से पहले और दोपहर को खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे का गैप देने के बाद आप इस आसन को कर सकते हैं। आपको एक आसन 3 बार करना है, यानी कि आपको अगर भुजंग आसन कर रहे हैं तो आपको उसको 3 बार रिपीट करना है। आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा, ये आसन कीजिएगा, आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपके कमर दर्द भी काफ़ी कम हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।